व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियन बैनल फॉर। मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आपने बोला वो 300 पे एक्सीडेंट हुआ, 300 पे एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं तुम्हें एक चीज़ बहुत ही प्यार से और मतलब अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ये जो पावरफुल मशीन है ना, ये कोई वो नहीं है कि टॉय स्टोर नहीं है कि तुमने एक बटन दबाया और हल्की सी आगे चली गई, आगे कहीं ठुक गई तो ठुक गई। भाई बहुत ज़्यादा पावर है इन मशीन्स में, ठीक है। इस चीज़ को जानने के लिए तुमने एक चीज़ बहुत आराम से समझो, ठीक है। वो चीज़ क्या है कि जब आमिर वहाँ पहुँचा, उससे पहले ही उसने फ़ोन पे प्लानिंग करी हुई थी, भाई ड्रैग रेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे वो 300 पे था। नहीं, मैं तो चल एक ड्रैग रेस तो बनती। भाई एक और भाई ने चैलेंज कर दिया, लो पोलो जीटी के साथ मेरे से रेस करनी है। एक तो भाई कोलकाता में वेट कर रहा है, जाहिर आता हूँ कल किसी भी हालत में निकलूंगा भाई, कुछ भी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ वो दोनों 300 मारने ही गए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस। मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ कि भाई वो इन्फ्लुएंस खराब है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 300 पे एक्सीडेंट हुआ या 150 पे हुआ। ऑब्वियसली बात है, अगर 300 पे हुआ था बाइक का कुछ बचता ही नहीं, सबका सब कुछ टूट जाता है इसमें। पर 300 पे भी जब एक्सीडेंट होता है तो बंदा उसको और कम करने की कोशिश करता है कि भाई ब्रेकिंग तो करेगा, 150 पे होगा, 200 पे होगा। मैं तो चाहता हूँ 70 पे हुआ, भगवान करे कि किसी का हिट एंड रन केस हो और जस्टिस मिले। बट तुम लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा कि भाई बाइक कितनी स्पीड पे थी। मैं ये चीज़ की बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लुएंस ख़राब है। इन्फ्लुएंस की वजह से उसने डिसाइड किया कि वो 300 मारेगा। इन्फ्लुएंस की वजह से उसने डिसाइड किया कि हम और आगे तक चलते हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से। इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, प्रभाव। वो जो प्रभाव दे रहा लोगों को वो गलत है। तुम अगली क्लिप देखो जिसमें वो 310 मार रहा है, उसको देखो उसने पहना क्या है। स्कूटी वाली वो पहनी हुई है टैनिंग की, जो लड़कियां स्लीव्स पहनती हैं उसके साथ उसने पहना। ऊपर क्या, एक पतली सी टी शर्ट और 310 मार के हाथ में टैटू बना के। तुम देखो अगली क्लिप। ये चीज़ वो तुम लोगों को सिखा रहा है कि भाई टी शर्ट में भी 310 मार सकते हो, और तुम सारे बेवकूफ यही चीज़ तो सीख रहे हो, उससे और क्या सीख रहे हो। लेना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाना मुश्किल है, समझ रहे हो। ऐसे 1000 कोई भी ले लेगा, पैसा तो आ ही रहा है यूट्यूब से, अकल कहाँ से आएगी। तुम उसकी अगली वीडियो देख रहे हो जिसमें वो वाइट सी जोकरों वाले कपड़े पहन के, ऊपर निक्कर नुक्कर, नीचे जूता पहना हुआ है उसने, उसमें वो बाइक चला रहा है 1000। मतलब यार कमाल ही इंसान है यार। तुम लोग उसके प्यार में अंधे, तुम्हें इतना भी दिखाई नहीं दे रहा कि बंदा तुम्हें क्या चीज़ सिखा रहा है, क्या चीज़ नहीं सिखा रहा है। सबकॉन्शियसली उस टाइम पे प्रो राइडर 300 पे नहीं था। जब इंस्टा 360 वाला कैमरा, गोप्रो वाला कैमरा मिल जाएगा, भगवान करे सच दिख जाए सबको। मैं चाहता भी नहीं कि भाई हो, क्योंकि उस टाइम पे तो पता नहीं क्या गलत मौत मरा होगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वो अगर 150 पे भी था उस पॉइंट पे, ठीक है, मैं भी जाता हूँ 240 280 तक तो मैं भी गया हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा मैं कोई बड़ा शरीफ इंसान, पर मेरे माइंड में बाइक चलाते हुए ये चीज़ नहीं थी कि मैंने 300 मारनी है। आप समझ रहे हो, मेरे माइंड में बाइक चलाते हुए ये नहीं था कि भाई ये हम आगे स्ट्रेच में इसीलिए गए कि 300 मारना, जितनी जल्दी मार लो उसी के बाद मैं आराम से चला सकता हूँ। मानते हो, नहीं मानते मत मानो यार, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तुम अभी बच्चे हो, तुम होमवर्क करो पहले अपना कंप्लीट, उसके बाद जाके मुझे ज्ञान देना यूट्यूब पे, ठीक है। कि तू जाके आमिर का वीडियो देख, अबे 2 आंसू तो वो बहाएगा ही। अगर इतना अच्छा 200 था, टाइम पे वापस क्यों नहीं गया, टाइम पे वापस क्यों नहीं गया, क्यों वो वॉइस रिकॉर्डिंग में लोग बोल रहे हैं कि वो कह रहा है सारे साथ चलो, क्यों? तुम सब चीज़ें प्रमोट करते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर उस टाइम पे उन दोनों ने सेना का या पैनिनी का या किसी का भी ब्लूटूथ डिवाइस पहना होता, क्या आमिर को अगले 10 सेकंड में नहीं पता चलता कि एक्सीडेंट हो गया है? आमिर को 35 किलोमीटर आगे जाना पड़ता ये देखने के लिए कि भाई अभी तक आया नहीं है? नहीं ना। इस चीज़ को समझो भाई, जो चीज़ मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबल राइड क्या है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर दोनों इंटरकॉम में होते तो तुम मुझे बताओ कि उसको कैसे पता नहीं चलता, उसको 35 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, उसी सेकंड उसको पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये चीज़ें वो नहीं सिखाएगा, क्यों? इस चीज़ के बारे में उसको खुद नहीं पता। वो सिखाएगा कि भाई टी शर्ट पहनो सर्कस वाली, निक्कर पहनो सर्कस वाली, और चलो 300 मारते, 310 मार के हाथ में टैटू बनवा लेते, पता नहीं क्या झंडा गाड़ लिया 310 मार के, देश के लिए पता नहीं कौन सी उपाधि पा ली है। मतलब 310 मारना पता नहीं। अबे उसके बाद आधे यूट्यूब चैनल्स लोग 300-300 के पीछे पड़ गए यार, तो जिसके साथ बंदा था वो क्यों नहीं पड़ेगा? तुम बाकी लोगों के थंबनेल देखो, मैं डालूंगा नहीं वरना 1000 कॉन्ट्रोवर्सियां उठ जाएंगी। तुम खुद जाके यूट्यूब पे 300 किलोमीटर पर टाइप करो, ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स अभी 300-300 की वीडियो डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बैड इन्फ्लुएंस है। दैट इज वॉट इज कॉल्ड बैड फकिंग इन्फ्लुएंस, एंड यू फकिंग कंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट। चले यार।
मैं, अरे यार दिल टूटा यार बच्चे को देख के, कैसे डेथ हुई है उसकी। तुम लोग उस चीज फोटो सर्कुलेट कर करके डीपी में डाल डाल के, प्रोफाइल पिक्चर में डाल डाल के, यूट्यूब के थंबनेल में डाल डाल के व्यूज उठा रहे हो, मेरे को बोल रहे हो कि तुम्हें अभी टॉपिक में कुछ नहीं मिला, हाथ में बहती गंगा में हाथ धो लो। शर्म करो यार, भगवान से डरो। एक दिन तो ऊपर जाओगे ना, उस दिन क्या जवाब दोगे, क्या किया जिंदगी में, ये किया। हर चीज करने से पहले ना थोड़ा सा दिल पे हाथ रख के सोच लेना चाहिए कि भाई इस चीज से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि तुम्हें जनता अंधी तरह फॉलो कर रही हो, तो तुम्हें मुझे ही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सारे अंधे मेरे में कमेंट सेक्शन में आगे भरे पड़े हैं। तो कुछ ढंग की चीज सिखा दो जिनसे उनका भला हो जाए, ये नहीं कि अगले नंबर पे वो हो।